दे आर यूज इन अ वाइड वेराइटी ऑफ सेटिंग तो जितने भी हमारे बिहेवियर्स हैं बच्चों के उस सारे के सारे इसमें हम कवर कर सकते हैं क्योंकि हम हर तरह से इंडिकेटर्स बनाते हैं फिर उनको मार्क कर लेते हैं कि ये कौन से दर्जे में हैं किस नंबर पर हैं रेटिंग स्केल्स आर ऑफन यूज इन कंजक्शन विद लिक्ड स्केल्स विच आर अ टाइप ऑफ रेटिंग स्केल माइर्स लेवल्स ऑफ एग्रीमेंट और डिस एग्रीमेंट विदेटमेंट तो जैसे मैंने अर्ज किया लिकेड स्केल टाइप जितने भी हमारे स्केल्स हैं उसको हम इस फॉर्म में यूज करते हैं कि एक तरफ हमारे इंडिकेटर्स होते हैं और उनके सामने तीन या पाँच या सात कॉलम्स में हम उनसे एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट पूछते हैं या जैसे हमने एट्स किया कि कितनी दफ़ा हुए तो लेवल्स भी पूछ सकते हैं रेटिंग स्केल्स कैन ऑल्सो बी यूज टू माईर फ्रीकुन्सीट्सफैक्शन इम्पॉर्टेंस एंड अदर डायमेंशन तो जो रेटिंग स्केल हैं उसमें हम बहुत सी चीज़ें जैसे कि कोई चीज़ कितनी दफ़ा हुई जैसे अभी मैं फ्रीक्वेंसी की बात कर रही थी कि ऑलवेज है फिर ऑफन है समटाइम्स है रेयरली है नेवर है ये तो हमारी फ्रीक्वेंसीज होगी कि कितनी दफ़ा कोई बिहेवियर करता है फिर हम ये देखते हैं कि क्या वो सेटिस्फाई है कितनी हद तक वो सेटिसफाई ना ये हम बच्चों से भी पूछ सकते हैं उनके पेरेंट्स से भी पूछ सकते हैं फिर हम ये देखते हैं कि और भी बहुत सी डायमेंशन यानी बहुत से बिहेवियर्स ऐसे हैं जिनको कि जिनकी हम आसानी के साथ दर्जा बंदी कर सकते होते हैं कि बच्चा ये कर रहा है बहुत हद तक कर रहा है किसी हद तक कर रहा है बिल्कुल नहीं कर रहा तो वो सारी चीजें हमें पता चलती हैं द रेस्पॉस इन रेटिंग कैन बी ऑर्डर आप उनको पाँच से एक एक से पाँच या सात से एक, एक से सात भी कर सकते हैं मुख्तलि रेटिंग स्किल्स आर ऑफन एनालिंग स्टैटिस्टिकल एज मीन स्टैंडर्ड डिविएशन एंड को रिलेशन चूंकि हमने ये कहा कि रेटिंग स्केल्स को हम न्यूमेरिकली देखेंगे अगर हम उनको मीनिंगली भी देखेंगे जैसे स्ट्रांगली डिस फिर डिसएग्रीड न्यूट्रल एग्रीड और स्ट्रांगली एग्रीड ये पांच हमारे पास ऑप्शन थे लेकिन हम इनको नोमरिकली ही आखिर में काउंट करेंगे जैसे स्ट्रांगली एग्रीड को पाँच कह लें फिर चार तीन दो एक नंबर लगा लेंगे बिल्कुल इसी तरह हम हर चीज को स्कोर करने की कोशिश करेंगे जब हमारे पास स्कोरस होंगे तो हम आसानी से इनकी मीन निकाल सकते हैं यानी एवरेज निकाल सकते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल सकते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन स्टैंडर असल में इस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है कि एवरेज से बच्चा कितनी दूर जा रहा है डिविएट कितना कर रहा है एक स्टैंडर्ड जिसको हम एवरेज को यहाँ स्टैंडर्ड कहते हैं और उस स्टैंडर्ड से हमारा बच्चा कितनी दूर जा रहा है कितना ऊपर या कितना नीचे और फिर हम ये भी देखते हैं कि रिलेशनशिप क्या है उनकी डिफरेंट एक्टिविटीज में क्या रिलेशनशिप जैसे कि अब उनकी लैंग्वेज में और उनके मैथमेटिक्स में कोई रिलेशनशिप है या उनकी क्लास पार्टिसिपेशन में कितनी दफा बच्चे ने पार्टिसिपेट किया और उसकी एकेडमिक अचीवमेंट में कोई रिलेशनशिप है तो जब हमारे पास शुमार आ जाते हैं तो उस डेटे को हम किसी भी मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं रेटिंग स्केल्स आर यूजफुल टूल फॉर माईरिंग एटीट्यूड्स ओपिनियंस एंड बिहेवियर बट दे आर नॉट विदाउट लिमिटेशन एंड शुड बी यूज इन कंजंक्शन विद अदर रिसर्च मैथड्स टू प्रोवाइड अ कम्प्लीट पिक्चर ऑफ अ गिवन फिन मतलब ये है कि जैसे हमने कहा था कि हम टेस्ट को अकेला यूज नहीं करेंगे हम ऑब्जर्वेशन को अकेला यूज नहीं करेंगे इसी तरह हम रेटिंग स्केल को भी अकेला यूज़ नहीं करेंगे हाँ इनको किसी कम्बिनेशन में लेंगे ऑब्जर्वेशन के साथ रेटिंग स्केल हो सकती है रेटिंग स्केल के साथ एकेडमिक अचीवमेंट हो सकती है परफॉर्मेंस हो सकती है तो जब ये एक से ज़्यादा टूल्स को हम इकट्ठा करेंगे तो मकसद तो हमारा ये है ना कि बच्चे की होलिस्टिक असेसमेंट करें और वो पोटेंशियल जो कभी कभी दिखाता है हमेशा दिखाता है या कभी भी नहीं दिखाता वो सारी चीजें हमें पता चल जाएं और हम उसके बारे में गलत फैसला करने से बच जाएं।